के साथ पूरे बड़वानी जिले में नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास विकास योजना शहरी व मुख्यमंत्री आवास विकास योजना ग्रामीण के तहत पट्टे के लिए भी आवेदन दिए जा रहे हैं। जांच उपरांत पट्टा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी नगर क्षेत्र में 125 से अधिक पट्टों का वितरण कर जारी किया गया। सर, बड़वानी शहर में पट्टा वितरण के लिए क्या कार्यक्रम चल रहा है? बड़वानी शहर के साथ साथ पूरे बड़वानी जिले में नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शहरी व मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ग्रामीण के तहत पट्टे के आवेदन लिए जा रहे हैं और जांच उपरांत पट्टा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शहरी के तहत बड़वानी नगर में 125 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया है। साथ ही ये प्रक्रिया जारी है, जो भी आवेदन आ रहे हैं उसका परीक्षण करके और विधिवत जांच करके प्रीमियम भू भाटक भरने के बाद में जो लोग पात्र हैं ऐसे लोगों को पट्टे जारी किए जा रहे हैं। सर, कुल कितने वर्ष से जो है पट्टे उस पर जो शहरी भू अधिकार योजना है इसमें 31 दिसंबर 2014 या इससे उससे भी पहले का कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रह रहा हो और वहाँ पे रहने का कोई भी एक सबूत उसके पास हो ऐसे व्यक्ति इस योजना में पात्र है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सब क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसमें क्राइटेरिया अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है इस योजना के तहत पात्र है, बशर्ते वो संयुक्त परिवार में रह रहा हो और उसके पास रहने के लिए जहाँ रह रहा हो उसके अलावा और कोई स्थान आवास के लिए उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना ग्रामीण के तहत 600 वर्ग फीट का पट्टा दिया जा रहा है। सर, इसमें कोई वर्ष के लिए कोई बंधन है? सर, इसमें ऐसा समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। बड़वानी से संजय बामनिया की यह खास रिपोर्ट।